हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हो आप सभी। लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आपके सामने आ रही होंगी व्हाट्सएप से, ट्विटर से, फेसबुक से और अदर सोशल मीडिया से, जिसमें आपको भ्रम दिया जा रहा है। और यही भ्रम मैं आपको दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस भ्रम में फंस जाते हैं और इसके रिलेटेड वो स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम लगाते हुए। गाइज, आप अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप के अंदर भी ये देख सकते हैं। अपने फ़ोन में अगर देखना है आपको खुद ही, तो आप अपने फ़ोन के अंदर क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, और उसके बाद आप अपने गूगल सर्च बार में लिखना है UPMSP, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको सर्च कर लेना है, और सर्च करने के बाद सबसे ऊपर की जो वेबसाइट आती है उसको आप ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नोटिस आता है। इस नोटिस को, यही एक ऐसा नोटिस है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कितनी जल्दी इंडिया सबसे ज़्यादा जो है ना, जो फेक न्यूज होती है उनको ज़्यादा सबसे जल्दी वायरल कर देता है। आप कोई भी एक फेक न्यूज़ बना दो व्हाट्सएप पे, और बनाने के बाद अपने फ्रेंड को शेयर करना। अगर आप वो फ्रेंड 100% उसको जो है ना शेयर कर देगा, बट अगर आप एक अच्छी न्यूज और रियल न्यूज शेयर करोगे तो वो दूसरा फ्रेंड आपका शेयर नहीं कर पाएगा। गाइज, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसे हुए हैं। मैं खुद इस भ्रम में फंस चुका था, क्योंकि मेरे फ्रेंड, मैं भी एक ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ और मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को एक टिकट सेंड किया अखबार का, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप भी इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के और पूरा का पूरा वॉच कर लो। ठीक है, तो ये मेरे को सेंड किया, और इसको पढ़ने के बाद भाई मेरी जो खुशी थी वो कुछ अलग ही लेवल की हो चुकी थी, कि मैं ऐसे ही मतलब पास हो जाऊंगा और मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। बट इस चीज़ को देखने के बाद, क्योंकि मेरे को जो ना और चीज़ों पर विश्वास नहीं होता है, मैं ज़्यादातर जो इसकी वेबसाइट है UPMSP, जो बोर्ड एग्ज़ाम की वेबसाइट है, उसको ओपन करके देख लेता हूँ। गाइज, मैंने आज ही इसको ओपन करके देखा, तो ओपन करने के बाद देखा तो ये नोटिस सामने आ गया, जिसमें लिखा है, समस्त छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं अन्य सर्व संबंधियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं को उत्तीर्णीय कर देने संबंधित कतिपय सूचनाओं बोर्ड का मोनोग्राम लगाकर, यानी जो सूचना दी जा रही है आपको अखबार के द्वारा, फ़ोटो लिया जा रहा है, उस पर बोर्ड एग्ज़ाम का लोगो लगाकर उसको वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप, ट्विटर एंड सोशल मीडिया। ठीक है, पूर्णतः फर्जी एवं भ्रमक है ये वेबसाइट। अगर इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज़ आपको शो होती है, भले ही वो गलत है बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, बट आपको उसको रियल मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वेबसाइट एक यूपी बोर्ड के लिए ही बनाई गई है। इस पे ही जो भी अपडेट आता है वो सब कुछ इसके ऊपर ही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप, अगर आपके पास कोई भी न्यूज़ आती है एक फेक न्यूज़, तो आप क्या करना है, UPMSP बस यही सर्च कर लेना और आपके सामने यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से आप सब कुछ अपडेट पढ़ सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार की अनाधिकृत फर्जी एवं भ्रमक सूचनाओं को वायरल करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, ये भी सरकार नहीं मानती है कि ये ऐसी फर्जी न्यूज़ को आप शेयर करें व्हाट्सएप, ट्विटर या फिर अदर सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो परीक्षाओं से संबंधित जो भी सूचनाएं दी जाती हैं, वे परिषद की इसी अधिकृत वेबसाइट www.upmsp.edu.in के माध्यम से दी जाती हैं, और यही सूचनाएं मान्य एवं अधिकृत होती हैं। ठीक है, अगर इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी आपको अपडेट मिलता है तो वो 100% रियल है, और अगर आपके पास कोई भी ऐसा एक अपडेट जो कि न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा हो और आपने खुद अपनी आंखों से देखा हो न्यूज़ में, तो उस पर भी आप इतना विश्वास ना करें, क्योंकि एक जो वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट है यूपी की, बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आप हाईएस्ट क्लास में हो या फिर
इंटरमीडिएट या फिर हाई स्कूल की क्लास में हो तो आप अभी से ही, अगर आपने स्टडी नहीं की है तो अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा और ये वायरस ख़त्म होगा तभी एग्ज़ाम की डेट रख दी जाएगी और आपका एग्ज़ाम 100% to 100% एग्ज़ाम होगा। ठीक है गाइज, इस वीडियो को पूरा का पूरा देख तो लिया है आपने, और इस वीडियो को जो है ना उस भाई को शेयर करो जो आपका फ्रेंड इस भ्रम में फंसा हुआ है और आपको भी उसने सेंड किया है, कोई पिक या फिर कोई वीडियो, और वो खुश हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा और ऐसे ही फालतू में पास हो जाऊंगा। गाइज ये बिल्कुल बकवास न्यूज है, इस न्यूज़ से बचें, और अगर कोई शेयर कर रहा है तो उस बंदे को मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो अपनी स्टडी से लगन हो जाए, ठीक है, और वो पढ़ाई करना शुरू कर दे। और आप अगर और इसके अंदर के अपडेट पढ़ना चाहते हैं तो इसको कैंसिल करें और उसके बाद यहाँ पर जो न्यू अपडेट आते हैं वो सारे न्यू अपडेट यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर न्यू अपडेट 3-4 आए हुए हैं अभी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऐसे ही वीडियो अगर आपको नेक्स्ट देखने हैं और ऐसे ही अपडेट पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि नया अपडेट आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने उस फ्रेंड को शेयर करें जो आपको फ्रेंड इस भ्रम में फंसा हुआ है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा।